नमस्कार मित्रों, आचार्य विनोद भरद्वाज एस्ट्रो तक से आज बेहतरीन एक तंत्र के बारे में जानकारी लेके आया हूँ, यंत्र के बारे में जानकारी लेके आया हूँ। इसके बारे में कहावत है, जहाँ है यंत्र बीसा तहाँ का करे जगदीशा। अर्थात बीसा का 15वां यंत्र यह नारायण के समान होता है और व्यापार के लिए अमृत तुल्य होता है। श्रीमान जी व्यापार दौड़ पड़ेगा जहाँ पे बीसा यंत्र होगा। रुके हुए व्यापार के लिए राम बाण साबित हो सकता है और चलते हुए व्यापार को बुलंदी में ले जाने के लिए एक सोपान बन सकता है। तो क्या है बीसा का यंत्र, 15वां यंत्र, इसके बारे में समझाता हूँ। अगर तंत्र शास्त्र के बारे में बात करते हैं तो यंत्र शास्त्र के बारे में बात करते हैं तो बीसा यंत्र सभी देवताओं के होते हैं और अलग अलग होते हैं। ये 15वें के यंत्र को ही बीसा यंत्र कहा जाता है और यह बीसा का यंत्र दुर्गा का अलग होता है, कुबेर का अलग होता है, नारायण का अलग होता है, लक्ष्मी का अलग होता है, लेकिन ये 15वां यंत्र ये निश्चित रूप से सभी देवी देवताओं का एक माना जाता है और ये विशेष करके व्यापार में उन्नति कारक होता है। इसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे, कैसे इसे स्थापित करें, किस जगह पे व्यापारी बंधु इसे बनाएं, कितनी सुंदरता से बनाएं ताकि यह व्यापार हर प्रकार से आपके व्यापार की रक्षा कर सके, यह 15 का बीसा यंत्र। लेकिन इसके पहले आप लोग एस्ट्रो तक के माध्यम से ये वीडियो देख रहे हैं, अभी तक आप लोगों ने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद शेयर जरूर करें, YouTube पेज पे भी जाएं, Facebook में वहाँ पे भी लाइक करें, लाइक करने के बाद शेयर करें। लेकिन एस्ट्रो तक YouTube चैनल पे आप लोग बेल आइकन जरूर से जरूर प्रेस करें, क्योंकि हर एक वीडियो आपके पास तक अच्छी तरह से पहुँच सके। तो मित्रों, आज बात कर रहे हैं हम 15 के बीसा यंत्र की। व्यापारियों के व्यापार में तीव्रता, व्यापारियों के लिए सहायक यह बीसा यंत्र निश्चित रूप से जादू टोना नजर, साथ साथ व्यापार में अस्थिरता, व्यापार में अगर घाटा हो रहा है उसके लिए सहायक माना जाता है। आप लोग स्क्रीन पे बीसा यंत्र देख पा रहे होंगे, ऐसा बीसा यंत्र अष्टगंध की स्याही से अपने किसी पुरोहित के द्वारा सुंदर और साफ अक्षरों में बीसा यंत्र का आवाहन करें, बनवाएं और बना करके एक लकड़ी की फ्रेम में भोज पत्र पे आप इसे निश्चित रूप से बनवाएं, लकड़ी के फ्रेम में शीशे में करा करके ईशान कोण या पूजा मंडप पे लाल टिक्का से आवाहन करके आप स्थापित करते हैं। नित्य नैमित्तिक इस मंत्र का आरती करें और एक इत्र आपके पास हो, सेंट हो, गुलाब, चंपा, चमेली, तो हर दिन थोड़ा सा यंत्र के ऊपर इत्र अपने हाथों से लगा दें और अगर हो सके तो लाल पेंट से जहाँ पे आने जाने वाले व्यक्तियों के, आपकी दुकान में जो सामान लेने आए वहाँ पे जिन व्यक्तियों को वो दिखाई पड़े, ऐसी जगह पे बड़ा सा कम से कम 9 अंगुल का एक फ्रेम बनवाएं, 9 अंगुल लंबा और 9 अंगुल चौड़ा एक फ्रेम बनवाएं, उस फ्रेम में 15 का बीसा यंत्र ऊपर शुभ लाभ लिखा करके स्थापित करें। देख लीजिएगा, व्यापार चलेगा नहीं, दौड़ पड़ेगा, क्योंकि
आपके साथ भीषा यंत्र की शक्ति है और यह शक्ति निश्चित रूप से आपके जीवन में सहायता सुलभता जरूर से जरूर ले आ सकती है, क्योंकि आपके जीवन में भीषा यंत्र का प्रभाव हो, अर्थात 15 का भीषा यंत्र ये आपके व्यापारिक जीवन में चमत्कार कर सकता है। चमत्कार के लिए आप लोग निश्चित रूप से 15 का भीषा यंत्र अपने व्यापार में जरूर स्थापित करें। धूप दीप नैवेद्य से हो सके तो रोज निवेदित करें। देखिएगा व्यापार में अगर नारायण की शक्ति भीषा यंत्र ये 15 का भीषा यंत्र आपके साथ होगा तो श्रीमान जी व्यापार दौड़ पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आप लोग इस वीडियो को जरूर से जरूर शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर से जरूर प्रेस करें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।